इस तरह की बातें कभी कभी उम्र के कारण वो बोल जाते हैं। प्रभु श्री राम पर इस तरह की टिप्पणियाँ कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। जीतन राम बाजी ऐसे लोगों की टिप्पणियों से प्रभु राम और भारत के आम जन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। और इस तरह की बातें करके वे अपने राजनीतिक की जो ऊंचाई है उसको छोटा करने का वो स्वयं प्रयास करते हैं, इनसे उनको बचना चाहिए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार में राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। बता दें कि अभी से ही लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी एकजुट होने के कगार पे और नीतीश कुमार भी एक दूसरे को एकजुट एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो महागठबंधन के साथी हैं जीतन राम मांझी, वो अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को लेकर भी बयान दिया था, जिसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी उन पर कटाक्ष किया है। उम्र का हवाला देते हुए उन्हें कहा है कि जीतन राम मांझी उम्र के जिस पड़ाव में है उस पे ऐसे बयानबाजी हो जाती है, उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। सबसे पहले आप तारकिशोर प्रसाद को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इस तरह की बातें कभी कभी उम्र के कारण वो बोल जाते हैं। प्रभु श्री राम पर इस तरह की टिप्पणियाँ कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, और इनसे उनको बचना चाहिए। प्रभु राम जन जन और कन कन में समाये हुए हैं। जय श्री राम। भारतीय संस्कृति से, भारत के जनमन से प्रभु श्री राम को इस तरह का बयान अलग नहीं कर सकता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव जीवन की जो सर्वोच्च मर्यादा था उसको उन्होंने आम लोगों के लिए कहीं न कहीं उस मर्यादा में जीने का उन्होंने प्रयास किया है। जीतन राम मांझी ऐसे लोगों की टिप्पणियों से प्रभु राम और भारत के आम जन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। उल्टे इस तरह की बातें जो करते हैं समाज कहीं न कहीं उसे कमतर आँकता है, और इस तरह की बातें करके वे अपने राजनीतिक की जो ऊंचाई है उसको छोटा करने का वो स्वयं प्रयास करते हैं, इनसे उनको बचना चाहिए। तो आपने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे जीतन राम मांझी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि जीतन राम मांझी उम्र के जिस पड़ाव में है वहाँ इस तरह का बयान आ ही जाता है। प्रभु श्री राम जन जन में विराजमान है, उनके प्रति इस तरह के बयान से उन्हें बचना चाहिए। भारत की आम जन पर और प्रभु श्री राम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर मांझी जी को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। देखिए, आज बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुजफ्फरपुर में थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि जीतन राम मांझी की उम्र हो गई है और उम्र के जिस पड़ाव में है उन्हें इस तरह के बयान देने से बचने चाहिए, ताकि जो है किसी पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं उससे आम जन पर भी कोई असर नहीं पड़ता और प्रभु श्री राम पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उम्र जीतन राम मांझी की जरूर हो गई है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।